वेलकम टू एबीजे विला। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ से जा रहे हैं सेक्टर 14 में, और 14 बी में आपको ले जाने के लिए मैंने सोचा आज आपको मैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन विला है एबीजे वो विज़िट करवा दूँ। तो मैं यहाँ क्यों रुक गया ये थोड़ा शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फ्रंट एलिवेशन मेरे सामने, यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा वो 5.5 किलोमीटर तक राउंड अबाउट तक है। हमारे विला तक जाते हैं तो 5.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है। मैं जाऊंगा गाड़ी में, मेरे साथ मेरा कैमरामैन मुदस्सर वो जाएगा गाड़ी में, और हम आपको लेके चलेंगे ड्रोन में। तो आप ड्रोन में सफ़र करें, हम गाड़ी में सफ़र करेंगे। पहुंचते हम एबीजे विला में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेक्टर 14 बी में, और जो एबीजे विला अंडर कंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हैं काम। मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी एबीजे विला की, जिस वक्त बेसमेंट का हमने जो है वो डिगिंग की थी, वो 7 जनवरी की हमने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते होंगे मेरे चैनल पे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में आप देख सकते हैं कि हमने, क्योंकि बेसमेंट भी डाला तो एक बेसमेंट की छत, इसके बाद ग्राउंड हमने डाला तो ग्राउंड की छत, और अभी फर्स्ट जो है वो उसके ऊपर पिलर आपको तैयार नज़र आ रहे होंगे, तो अब इसकी छत डालना बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में ये काम हमने किया है। टोटल 3,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया पे हम एबीजे विला 125 गज का कॉर्नर 1457-14B में हम बना रहे हैं, और ये फॉर सेल है, और ये अभी थोड़े टाइम के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको थोड़े टाइम में डील मेच्योर करते हैं तो जो रेट मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उस रेट में हम देंगे, चूँकि जिस तरह इन्फ्लेशन, जिस तरह रेट्स बढ़ चुके हैं, तो अब जो है वो अब नए प्राइस जो है वो कोट किए जाएंगे। और ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसकी वजह ये कि मलिर एक्सप्रेसवे और शौकत खानम हॉस्पिटल, उसका काम बहुत तेज़ी से जारी है, और तकरीबन शौकत खानम के लिए जो टाइम है वो तकरीबन अगस्त 2023 का है, और मलिर एक्सप्रेसवे का जो टाइम है वो दिसंबर 2023 तक का है। अगर इसमें एक्सटेंशन होता है तो उसी अकॉर्डिंगली उसका काम चलेगा। अलबत्त एबीजे विला आपके सामने है। लास्ट जब मैं आया था, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी 20 से 22 दिन पहले, तो उस वक्त ग्राउंड के हम पिलर्स भर रहे थे, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का पिलर काम भी मुकम्मल हो चुका है, और अब जो है वो इसकी ऊपर की छत भरना बाकी है। थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसे आप ड्रोन में देख सकते हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसमेंट यहाँ पर, बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर, और हमने टोटल जो बेडरूम की अकोमोडेशन इसमें दी है ग्राउंड पर 1, और ऊपर हमने 3 दिए हैं, और एक हमने बेडरूम जो है वो बेसमेंट भी दिया है। तो ग्राउंड और इसके साथ ड्राइंग आपका, डाइनिंग, किचन, ये एरिया है टोटल जो है वो हम इसको पूरा बना के दे रहे हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 14 बी में दूसरी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी होने जा रही हैं, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद बहुत सारी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी आई, और उनको हम वेलकम कहते हैं सेक्टर 14 में। DHSED कराची इस वक्त
बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले दो साल के बाद और अब में बहुत ज़्यादा फर्क है और लोगों का फोकस ज़्यादा बढ़ गया है सोसाइटीज की तरफ, क्योंकि शहर कराची में जिस तरह का मामला हैं और जिस तरह की सड़कों की हालत है, DHA सिटी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर सोसाइटी आपको नज़र आ रही है। और ये हमारी इस वक्त की कंस्ट्रक्शन है और ये हमारी अपडेट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मज़ीद इसकी और डेवलपमेंट हो गई होगी और इसकी छत फर्स्ट फ्लोर की डल चुकी होगी, तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल अब्दुल बासित जाकवानी से रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम पूरी इस वक्त मौजूद है और अभी बस खाना खा के इन्होंने बस अभी हमारे लेबर ने हमें जो है वो मटन की कढ़ाई खिलाई है, तो बड़ा मज़ा आया, तो हमने इन्जॉय किया। अगर आप भी इन्जॉय करना चाहते हैं और इसी तरह कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।